ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हिंदुस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शंस को गैर आइनी करार देकर सीपीआई के मुख्तलिफ मंसूबों को नाकाम करने की कोशिशें तेज कर दिया है। इलेक्शंस करीब आते ही गिलगित बल्तिस्तान आलमी साजिशों का गढ़ बनता जा रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान खाली करने की धमकी दे दी। क्या इंडियन ओशियन में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े किसी बड़ी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या गिलगित बल्तिस्तान चाइना पाकिस्तान और अमेरिका हिंदुस्तान के लिए मैदान जंग की सूरत अख्तियार कर सकता है? क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने के पाकिस्तान के ऐलान ने अमेरिका और हिंदुस्तान के रियासती इदारों में मायूसी की लहर दौड़ा दी है? क्या गिलगित बल्तिस्तान को पांचवा सूबा बनाकर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के इन करारदादों की खिलाफवर्जी कर रहा है जिनका पाकिस्तान बार बार हवाला देता रहा है? चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका का यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में जमा करदा इस करारदाद का क्या बनेगा, जिसमें लिखा गया है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक गिलगित बल्तिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन के मुर्तकिब पाए गए हैं और पाकिस्तान ने इस खिते में बसने वाले अवाम की मंशा के बगैर जबरी कब्जा कर रखा है। बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के बेल्जियम में मुकीम चेयरमैन के इस इंटरव्यू को गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोगों की मंशा जाहिर करके हिंदुस्तान और अमेरिका आलमी ताकतों को बेवकूफ बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नेशनल लेवल पर न वोट डाल सकते हैं, न इस खिते के लोग पाकिस्तान के आला अदलिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इंसाफ के हसूल के लिए न कौमी असम्बली में इनकी कोई नुमाइंदगी है, न इनके अपने कुदरती वसाइल पर इनका हक है, न इस जमीन में हुकूमत पाकिस्तान कोई रॉयल्टी इन लोगों को अदा करती है और न इनके जमीनों पर बनने वाले फौजी बैरकों और सीपैक के मेगा प्रोजेक्ट्स की उनको कोई कंपनसेशन मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान जो मन में आए इनके साथ कर गुजरती है। क्या संडे गार्जियन में छपने वाले एक गद्दार का ये इंटरव्यू काफी होगा हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए तय को कि वो इसको बेस बनाकर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को गैर आइनी करार दे सके? क्या इन साजिशों के पीछे गेटवे ऑफ सीपैक यानी गिलगित बल्तिस्तान को इस्तेमाल करके असल में सीपैक को नाकाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या हिंदुस्तान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो अमेरिका की हिमायत हासिल करके बैक वक्त पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ जंगी महाज खोलने का मुतहमिल हो सकता है? क्या हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत को नजरअंदाज करके इस खिते के अवाम में मायूसी फैला रही है, या नए इलेक्शंस के बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की देरीना मुतालिबात पूरे करने जा रही है? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के खिलाफ पसे पर्दा सरगरम खुफिया इदारों की कोशिशें रंग लाएंगी, या एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां इनको अवाम के सामने बेनकाब करने में कामयाब होंगे जैसा कि इससे पहले होते आ रहे हैं? बेल्जियम में मुकीम बलावरिस्तान नेशनल फ्रंट के अहदेदार किसके इशारों पर काम कर रहे हैं और गांव में खेती बाड़ी करके गुजर बसर करने वाले इन गरीब किसानों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? इन सब के अलावा तमाम बातों पर तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले ग्लोबल डिफेंस टीवी के इन नाजरीन से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए, और वीडियो पसंद आए तो फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह करें। अब बात करते हैं तफसील के साथ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। हाल ही में किए गए पाकिस्तान के फैसले के जवाब में हिंदुस्तान ने ये ऐलान किया है कि गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान को पांचवा सूबा बनाने का दर्जा देने के ऐलान को गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम करार देकर यूनाइटेड नेशंस
ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक करारदाद जमा कराया है। इस करारदाद के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में जबरी कब्जा कर रखा है, जबकि इस खित्ते के अवाम शुरू ही से हिंदुस्तान के साथ शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। हिंदुस्तान की नज़र में पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का ढोंग रचाकर चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स की कानूनी हैसियत को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहा है और इस सिलसिले में पाकिस्तान आर्मी के हाई ऑफिशियल्स और पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय किया गया है कि अब गिलगित बल्तिस्तान को 5वें सूबे का दर्जा दिया जाएगा, जिससे सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उठने वाले सवालात का हल नजर आएगा। हुकूमत पाकिस्तान के इस एहसान एकदम को नाकाम कराने के लिए हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल के खुफिया इदारे सरगर्म हो चुके हैं, जिनकी कोशिश यह होगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान और रियासत पाकिस्तान के दरमियान खलल डाल सके। इस सिलसिले की पहली कड़ी इस वक्त सामने आई जब एक गद्दार वतन को हिंदुस्तान के रियासती इदारों ने गिलगित बल्तिस्तान के अवामी नुमाइंदे के तौर पर आलमी सतह पर पेश करने की कोशिश की। बेल्जियम में मुकीम इस गद्दार को इस तरह से पेश किया गया जैसे ये कोई कौमी हीरो है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इसके पीछे खड़े हों। ये शख्स कई सालों से बैरून मुल्क मुकीम है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, जबकि दूसरे जानिब गिलगित बल्तिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए अमेरिका और इसराइल हिंदुस्तान को इस बात पर उकसा रहे हैं कि वो हर हाल में इस खिते में होने वाले डेवलपमेंट्स पर तवज्जो दे और पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हर मुमकिन महाज आराई के लिए तैयार रहे। इससे अमेरिका को दो तरह से फायदा होगा, एक तो ये कि जब इस खिते के हमसाये ममालिक के दरमियान जंग के आसार बने रहे तो इसके नतीजे में इसमें शामिल दोनों ही ममालिक अमेरिका जैसे जंगी हथियार के एक्सपोर्टर से भारी कीमतों पर जंगी साजो सामान खरीदने पर मजबूर होंगे, और दूसरा फायदा अमेरिका को ये भी हो सकता है कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को लेकर कोई जंगी इकदाम उठाए तो चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाले सीपैक के मंसूबे को नाकामी की खाई की तरह धकेला जा सकता है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान सीपैक के मंसूबे के लिए गेटवे की हैसियत रखता है और इस खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल ही सीपैक की कामयाबी की जमीन समझी जाती है, और अगर इस खित्ते के हालात खराब हों तो इसका मतलब सीपैक की नाकामी है। इससे चीन का आलमी मंडियों पर राज करने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और एक बार फिर अमेरिका अपने सुपर पावर की हैसियत को महफूज समझेगा, जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसकी भरपाई पाकिस्तान की हुकूमत के लिए तकरीबन नामुमकिन होगी, और इस तरह पाकिस्तान कर्ज के इस दलदल से निजात हासिल करने के लिए एक बार फिर अमेरिका की हिमायत में खड़ा होगा। जबकि दूसरी जानिब हाल ही में चाइनीज सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम के नाम लिखे अपने एक खत में सीपैक पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक के लिए नागुजीर करार दिया है और पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया है, क्योंकि चीन इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर सीपैक के मंसूबों से पीछे नहीं हटेगा और इनके खिलाफ होने वाली साजिशों को पाकिस्तान के खुफिया इदारे हर सूरत नाकाम बना देंगे। जब हिंदुस्तान ने अपनी कौमी खबरों में गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका जाहिर किया तो जवाबन हुकूमत पाकिस्तान ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और जूनागढ़ को अपना हिस्सा जाहिर कर दिया, जो कि हकीकत पर मबनी है। जूनागढ़ स्टेट की कहानी भी बिल्कुल इसी से मिलती जुलती कहानी है जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की है। जूनागढ़ स्टेट के तारीखी हकाइक के बारे में हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो अब तक मजबूरन हिंदुस्तान के कब्जे में है, और इस इलाके पर इंडियन फोर्सेस ने ऐसे मजालिम दाए हैं जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, क्योंकि इस स्टेट ने अपनी आखिरी सांस तक इंडियन साजिशों का मुकाबला किया, मगर हिंदुस्तान की फौज ने इस इलाके पर जबरदस्ती कब्जा करके हिंदुस्तान में शामिल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान, जिसे पहाड़ों की मलका और पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आलमी ताकतों का तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, और हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किए जाने वाले सीपैक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की कानूनी हैसियत को आलमी अदालत
हालतों तक ले जाने के बारे में बार बार जिक्र कर चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान इन सीपैक प्रोजेक्ट्स को नाकाम करके चाइना और पाकिस्तान दोनों से अपनी माजी की शिकस्तों का बदला लेने की कोशिशों में मसरूफ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।